आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। शासन का रात्रि 8 बजे दुकान बंद करवाने का निर्णय बना नगर के मुख्य मार्गों पर जाम का कारण। नगर के एमजी रोड पर शाम 6 बजे से 8 बजे तक आम नागरिकों ने झेली जाम की समस्या। नागरिकों की समस्याओं का स्थानीय प्रशासन को लेना होगा संज्ञान। कोरोना संक्रमण एक प्राण घातक बीमारी है जो मानव जीवन के लिए वास्तव में भयावह बीमारी साबित हो रही है। इस महामारी की रोकथाम को लेकर जहां देश भर में लोगों को वैक्सीन के टीके लगवाने के लिए राज्य सरकार जागरूक कर रही है, वहीं खरगोन जिले में कलेक्टर पी अनुग्रह के आदेश पर प्रतिदिन नगरीय और शहरी क्षेत्रों में रात्रि 8 बजे से बाजार में पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी और नगरपालिका कर्मचारी दुकानें बंद करवाते नजर आ रहे हैं। लेकिन रात्रि 8 बजे जिस मकसद से शासन ने दुकानें बंद करवाने का निर्णय लिया, उस मकसद में प्रशासन को सफलता हासिल होने की उम्मीद नहीं के बराबर दिखाई दे रही है। दरअसल खरगोन जिले के बलवाह नगर के मुख्य मार्गों पर वैसे तो दिन भर चहल पहल का माहौल रहता है। अब शासन के निर्देश के बाद स्थानीय प्रशासन रात्रि 8 बजे नगर की समस्त दुकानें बंद करवाने के उद्देश्य से सड़कों पर मोर्चा संभाले हुए है। ऐसी स्थिति में आम जनता अपने आवश्यकता अनुसार घरेलू सामान खरीदने के लिए शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच बाजार के मुख्य मार्गों पर आ रही है, जहां आखिरी 2 घंटों में भारी भीड़ तो एकत्रित हो ही रही है, लेकिन इस भीड़ के साथ नगर के मुख्य मार्ग एजी रोड पर वाहनों की तादाद भी भारी संख्या में देखी जा रही है, जिससे नगर के एमजी रोड पर शनिवार शाम जाम की स्थिति देखी गई। जबकि इस जाम के दौरान प्रशासनिक अधिकारी और नगरपालिका के सायरन बजाते वाहनों के साथ भी मोर्चा संभालते हैं, जिससे एमजी रोड पर आम जनता की भीड़ ने जाम लगा दिया। इस नजारे को देख हर व्यक्ति के मुंह से कोरोना की रोकथाम के लिए शासन द्वारा रात्रि 8 बजे दुकानें बंद करने का निर्णय का विरोध सुनाई दिया। जबकि नगर मंडल सदस्यों ने शनिवार को ही नगरपालिका में हुई एसडीएम और नगरपालिका सीएमओ की एक बैठक में नगर की दुकानें रात्रि 9 बजे बंद करने का सुझाव दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर में होने वाली इन गतिविधियों पर स्थानीय प्रशासन कब और किस तरह का निर्णय लेता है, या इसी तरह शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच आम नागरिकों को जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट।